प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई बार मुद्दा बन चुके ठियोग हाटकोटी सड़क निर्माण मामले की जांच की जाएगी। जुब्बल कोटखाई के विधायक नरेंद्र बरागटा द्वारा विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान घोटाले के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आश्वासन दिया कि वर्तमान सरकार किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेगी। ठियोग हाटकोटी सड़क के निर्माण कार्य के मामले की जाँच की जाएगी, ये बात सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता में जो भी कोताही बरतेगा उससे प्रदेश सरकार समझौता नहीं करेगी। बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक नरेंद्र बरागटा के सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। बरागटा का कहना था कि पिछले सालों में इस सड़क में कई रिटेनिंग और ब्रेस्ट वॉल गिरी है। उन्होंने इस सड़क निर्माण में ठेकेदार, अधिकारियों और राजनीतिज्ञों की मिलीभगत होने के भी आरोप जड़े। बरागटा ने कुछ फोटोग्राफ दिखाते हुए कहा कि एक स्थान पर ठेकेदार द्वारा लगाया गया डंगा गिर गया, जबकि गिरे हुए डंगे के अंदर पूर्व में लोक निर्माण विभाग द्वारा लगाया गया डंगा पूरी तरह से ठीक था। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया है और ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए निहारी से खड़ा पत्थर के बीच के पैच में काम ही नहीं किया गया, क्योंकि ये मुश्किल क्षेत्र था। उन्होंने सरकार से इसके निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की। हम लोग 3 साल का आंकड़े मांगे थे सरकार से कि भाई 3 साल में मुझे बताया जाए कि सुरक्षा जो दीवारें हैं वो कितनी गिरी हैं उस वक्त में और कितना नुकसान हुआ है, लेकिन वो आधा अधूरा आया क्योंकि 10-12 तो अभी गिरी है, वो तो 31 जुलाई से पहले हमने दिया है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और मेरी अप्रेंशन ये है कि ठियोग हाटकोटी रोड में जिस तरह से एक नेक्सस काम कर रहा था और वो नेक्सस जो है वो कॉन्ट्रैक्टर, वो नेक्सस जो है पॉलिटिशियंस और वो नेक्सस सम गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उसके कारण से मैंने गुणवत्ता पे सवाल उठाया है कि ये गुणवत्ता पे इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। एक इस पे जांच मांगी और नंबर दो, एक पोर्शन जिसके कारण से कई सालों से हमारे लोगों को जो है कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, उसके कारण से बहुत असुविधा हो रही है, वो है खड़ा पत्थर से लेकर निहारी तक। मेरा एक सीधा सा प्रश्न है कि श्रेय तो ले रहे हैं कि ये कांग्रेस सरकार ने बनाया, इसको खड़ा किया, इसका जो है श्रेय इसको देना चाहिए, जबकि श्रेय किसी को मिलना चाहिए तो ऑनरेबल हाई कोर्ट को मिलना चाहिए। मेरे रिट पर संज्ञान लेकर के हाई कोर्ट जो है 1 महीने में रिटर्न कर रहा है, उस कारण से इसको, और इतनी बड़ी वहाँ जन जो है वो आंदोलन हुआ है, उस कारण से इनको सड़क बनानी पड़ी। लेकिन मुझे आज भी ये कहना है कि अगर ये पोर्शन छोड़ा गया, इसको छोड़ा क्यों गया, बड़ा क्लियर कट है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको बेल आउट करने के लिए, क्योंकि एक्सटेंशन जो है जो वर्ल्ड बैंक ने जो एक्सटेंशन थी वो उनको दी नहीं, 4 बार एक्सटेंशन दी गई, उसके बाद में एक्सटेंशन दी नहीं और पैसा जो है वो स्टेट से लगा लग रहा है। और ये भी ये इस बात की भी ये भी जांच योग्य है कि भाई आपने टाइम पर उसको पूरा क्यों नहीं किया, और टाइम पूरा होने के बाद जो है जो पैसा एक्स्ट्रा लगना वो प्रदेश सरकार का लगने वाला, तो इसलिए मेरा कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं बंगलिंग हुई है और प्रदेश सरकार से निवेदन किया है इसकी जांच की जाए और दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। इस पर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि ये सड़क ऊपरी शिमला के क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़क है। उन्होंने कहा कि 2012 से पहले इसका काम चाइनीज कंपनी को दिया गया था और 2013 में इसका निर्माण कार्य CNC कंपनी को दिया गया। उन्होंने कहा कि गत 3 वर्षों में ठियोग हाटकोटी सड़क में 14 सुरक्षा और रिटेनिंग दीवारें गिरी हैं, उनके गिरने से 3.25 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद 1 साल तक डंगा गिरने या अन्य काम की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी की है। उन्होंने कहा कि विभाग ने कंपनी को रिटेनिंग वॉल लगाने के लिए कहा है और ठेकेदार ने कहा है कि उसने पूरे काम का बीमा करवाया है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार ने करीब 66 लाख रुपए की रिटेनिंग वॉल लगा दी है। इस संबंध में रोडू के विधायक मोहनलाल ब्राक्टा ने भी सवाल किए। वहीं नाचन के विधायक विनोद कुमार के एक अन्य सवाल के जवाब में सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि पेयजल योजना कनेड, भौर, दुगराई, छात्र और अपर बहली व जुगाहन का शिलान्यास 18 जुलाई 2017 को किया गया था और उस समय इसके लिए बजट का प्रावधान नहीं किया गया था। इस योजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 10.25 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए वर्तमान में बजटीय प्रावधान नहीं है और अभी काम भी शुरू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि योजना के काम का पूरा होना पर्याप्त धन उपलब्धता पर निर्भर करेगा। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में OBC को मिलने वाले आरक्षण में एक रूपता नहीं है। राज्य के अलग अलग शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को अलग अलग आरक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने OBC को
जनसंख्या के आधार पर रोस्टर लागू करने का मामला सामाजिक न्याय विभाग को भेजा है। उसको लेकर सरकार जो भी निर्णय लेगी उसके आधार पर रोस्टर लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक रमेश धवाला और पवन कुमार काजल के संयुक्त सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। इसको लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू और सुखराम ने भी अपने अनुपूरक सवाल किए। विधायकों की मांग थी कि प्रदेश में केंद्र की तर्ज पर ओबीसी को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाए। विधायकों ने ओबीसी के आरक्षण के रोस्टर में एक रूपता लाने की भी मांग की। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने साफ किया कि अलग अलग शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को अलग अलग आरक्षण देने का प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बीएड पाठ्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग को 15% आरक्षण दिया जाता है। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में ओबीसी को 18% आरक्षण है, जबकि प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में स्नातक स्तर के विषयों में प्रवेश के लिए ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए एक एक सीट आरक्षित रखी गई है। वहीं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में सभी अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में एक सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित रखी जाती है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने साफ किया कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार जो भी पॉलिसी बनाएगी शिक्षा विभाग उसे लागू करेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अनुपस्थिति में सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक इंद्र सिंह के सवाल के जवाब में कहा कि जाहू और भांवला को जोड़ने वाले पुल निर्माण के मार्च 2019 तक पूरा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जबोठी खड पर जाहू और भांवला को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। वर्तमान में पछाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 29 नियमित पशु औषधालय और 23 पंचायत पशु औषधालय मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के अंतर्गत कार्यरत हैं। पशुपालन तथा पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुरेश कुमार कश्यप के सवाल के जवाब में कहा कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पछाद में 17 नियमित पशु औषधालय सरकारी भवनों में और 12 पशु औषधालय निजी भवनों में चल रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के अंतर्गत कार्यरत 23 पशु औषधालयों को संचालित करने के लिए पंचायत द्वारा निशुल्क भवन उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रश्नकाल के दौरान रोहडू के विधायक मोहनलाल ब्रागटा द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि रोहडू के 22 केवी कंट्रोल रूम कांसा कोटी का निर्माण 30 जून 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण कार्य का आवंटन 30 सितंबर तक कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।